हाय, मैं हूँ जसमीन पटेल, वेलकम बैक। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हम कुछ बातों को अज्यूम कर लेते हैं जबकि रियलिटी कुछ और होती है, और इतना स्ट्रांगली मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे लिए तो वही रियलिटी बन जाती है। और जब जब ऐसा होता है तब हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब दिखाई देता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। कैसे, समझाता हूँ एक कहानी से। भाई साहब ने एक छोटी सी शार्क को एक एक्वेरियम में रख दिया। वो बड़े से एक्वेरियम में शार्क बड़ी मस्ती से घूम रही थी। भाई साहब ने उसके अंदर 2-3 मछलियां डाली। शार्क ने एक ही सेकंड के अंदर वो मछलियों को खा लिया। उसके बाद भाई साहब ने एक्वेरियम के बीचों बीच एक कांच रख दिया और एक्वेरियम के 2 हिस्से कर दिए। अब एक हिस्से में शार्क थी और दूसरा हिस्सा खाली था, और दूसरे हिस्से के अंदर वो भाई साहब ने 2-3 मछलियां छोटी छोटी फिर से डाली। शार्क ने उसको देखा, फिर से वो खुश हो गए और खाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन वो जोर से जो बीच में कांच रखा था जिससे वो डिवाइड किया हुआ था एक्वेरियम, उससे टकरा गई। शार्क को समझ भी नहीं आया कि क्या है जो मुझे मछलियों तक पहुंचने नहीं देता है। लेकिन फिर भी शार्क ने बहुत कोशिश की, बार बार उसने उस मछलियों की तरफ जाने की कोशिश की, और हर बार वो टकराई और उसको हर बार चोट लगी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद उस भाई ने नोटिस किया कि अब शार्क ने मछलियों की तरफ आगे बढ़ना, उनको खाने की कोशिश करना ही छोड़ दिया है। उसके बाद वो भाई ने बीच में से वो कांच का टुकड़ा हटा लिया और ये छोटी छोटी मछलियां अब शार्क वाले हिस्से में भी बिंदास घूमने लगी। शार्क अभी भी उनको खाने की कोशिश ही नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में फिट हो गया था कि अगर मैं उनको खाने की कोशिश करूंगी तो मुझे चोट लगेगी। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी टारगेट के लिए काम करते हैं और उस काम में बार बार कोशिश करने के बाद भी हम बार बार हर बार फेल होते हैं, तो लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, मजाक सुनना पड़ता है, और वो सब हमारे लिए बड़ी बड़ी चोटें हैं जो यहां लगती है, यहां लगती है। और बार बार ये चोट खाने के बाद हम हमारे दिमाग में फिट कर लेते हैं कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूं, मेरी ताकत ही नहीं है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि मौका बिल्कुल हमारे सामने होता है, अपॉर्चुनिटी एक कदम दूरी पर होती है, सक्सेस बिल्कुल नजदीक होती है, फिर भी हम उस काम को करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में भी उस टाइम पर उस शार्क की तरह यह चलता है कि अगर मैं उस काम को करने की कोशिश करूंगा फिर से तो मुझे चोट लगेगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एक लाइन में कहूं तो उस चोट का जो डर है ना, वो निकाल दो, दैट्स इट। ओके देन, आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी जिंदगी में इस वीडियो से कोई फर्क पड़ेगा, आपका ग्रोथ होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है, आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ पूछना है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर देना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।